जिसका नाम सामने आते ही लोगों के दिमाग में डंडाधारी पुलिसकर्मी की छवि बन जाती है। कुछ पुलिसकर्मियों के कारण आम लोग पुलिस से दूर भागते हैं, डर की वजह से अपनी बात पुलिस तक नहीं पहुंचा पाते। लेकिन पुलिस का दूसरा चेहरा भी होता है, वह है मानवता और इंसानियत का परिचय देने वाला। ऐसा ही एक वाक्या कानपुर देहात के थाना गजनेर के अंतर्गत एक चौकी में देखने को मिला, जहाँ खाली पेट शिकायत लेकर पहुंची एक वृद्धा की भूख की पीड़ा को सामने बैठे चौकी इंचार्ज समझ गए और बोले, अम्मा पहले खाना खा लो फिर सुनते हैं तुम्हारी शिकायत। चौकी इंचार्ज की आवाज़ सुनकर वृद्धा की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा ने पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए खाने को पहले भरपेट खाया, फिर अपनी पीड़ा चौकी इंचार्ज को बताई। आपको बता दें कि कानपुर देहात के गजनेर के चौकी में शिकायत लेकर पहुंची 75 वर्षीय वृद्धा ने चौकी में मौजूद चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए अपनी पीड़ा बताना शुरू किया। तो इस दौरान चौकी इंचार्ज भी यह भी समझ गए कि वृद्ध महिला बेहद भूखी है और उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए वृद्ध महिला को कहा कि अम्मा पहले खाना खा लो फिर तुम्हारी शिकायत सुनते हैं। यह बात सुनकर वृद्धा के आँखों से आंसू निकलने लगे और वह भावुक हो गई। वहीं चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने तत्काल अपने टिफिन से वृद्धा को खाना खिलाया और फिर न्याय का भरोसा दिलाते हुए वृद्ध महिला की व्यथा सुनी और हर संभव मदद करने की बात कही। इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने वृद्ध महिला के साथ जमीन पर बैठे चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह की फ़ोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चौकी इंचार्ज की जमकर तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।